हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑफसेट फंक्शन के बारे में। ऑफसेट फंक्शन बेसिकली एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपको मैं बेसिक फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि एक्सेल फंक्शन कैसे यूज़ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसको हम VBA में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली काम करता है ये। और इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस की वैल्यू को मतलब एक सेंटर मान के उसके लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन की वैल्यूज़ को इजीली उनकी वैल्यूज़ को लेके आ सकते हैं। तो इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि एक्सेल फंक्शन का बेसिकली हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। लेट सपोज ये मैंने एक डमी डेटा क्रिएट किया है, तो एक्सेल का जो ऑफसेट फंक्शन होता है इसका एक बेसिक सा, जैसे हमारे पास ये है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। एक्सेल का ये फंक्शन बेसिकली किस तरीके से काम करता है, तो ऑफसेट फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि मुझे ये मेरी सेंटर की वैल्यू होती है हमेशा ज़ीरो, और अगर मुझे राइट हैंड की साइड जाना है तो मुझे यहाँ पे प्लस को यूज़ करना पड़ेगा। रोज में जाना है अगर मुझे अगर मुझे रो में लेफ्ट की साइड जाना है तो मुझे माइनस सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे राइट हैंड साइड में अगर अपने कॉलम में जाना है तो मुझे इसमें यूज़ करना पड़ेगा प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल यूज़ ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा प्लस का सिंबल। और मुझे नीचे जाना है, अगर मुझे इधर इधर की तरफ जाना है तो मुझे प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, लेफ्ट की साइड जाएंगे तो हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। तो अभी आपको माइट भी कन्फ्यूज़न होगा, अगर मेरी जो सेंटर की वैल्यू होती है ये वाली, ये हमेशा होती है ज़ीरो, ये जो सेंटर की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हम इसे करके देखते हैं। तो इसमें सपोज़ हमारे पास सेंटर वैल्यू ही है हमारे पास, और इस वैल्यू को इस वैल्यू को हमारी जैसे मेन वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी सारी वैल्यूज़, जिस भी वैल्यू को हम चाहे हम निकाल सकते हैं, तो ऑफसेट का ही मैं बेसिक फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ये काम करेगा, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा माइनस प्लस का जो भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमेशा ये हमारा जीरो होता है, ये हमारा जीरो से कंसिडर करेंगे, अगर हम नीचे भी जाएंगे तो भी ज़ीरो होगा, अप भी जाएंगे तो ज़ीरो, लेफ्ट राइट कहीं भी हमारा ज़ीरो ही होगा। लेट सपोज इस वाली वैल्यू के बिहाफ पे मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको सपोज मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है और मुझे यहाँ पे ऑफसेट का फंक्शन लगाना है। यहाँ पे लगाना है मुझे ऑफसेट का फंक्शन, और मुझे इस वैल्यू के रेफरेंस पे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑफसेट, और ऑफसेट को आप जैसे लिखेंगे इसके यहाँ पे टूल टिप्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस, तो इसे अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता लेकिन एक आइडिया मिल जाता है। तो पहले क्या कह रहा है, मैं ये हमारा एक रेफरेंस है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा करने के बाद ये बताता है हमारा रो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, अगर मुझे राइट हैंड साइड के तरफ जाना है तो मैं लिखूँगा प्लस, ऊपर की तरफ जाना है तो मुझे माइनस। तो मेरी रो कौन सी है जिसमें ये आई, ये वाली वैल्यू है आई वाली, ये वाली रोज मेरी कौन सी है, 1 2 3 थर्ड रो, देन मैं यहाँ पे थर्ड का रेफरेंस लिखूँगा, देन कॉमा लिख के मेरा सेकेंड क्राइटेरिया है कॉलम। तो मुझे अगर राइट की तरह साइड की तरफ जाना है तो मुझे प्लस का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर प्लस को अगर मैं नॉर्मली भी नहीं लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 2 कॉलम, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 2, और इसको एंटर करेंगे तो देखेंगे ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है, और ऑफसेट का ये दूसरा फंक्शनैलिटी, जैसे मुझे सपोज ये वाली वैल्यू को इस रेफरेंस के थ्रू निकालना है, तो इसमें मैं लिखूंगा ऑफसेट, रेफरेंस मेरा ये हो गया, ये हमेशा ज़ीरो ज़ीरो ही समझ सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो है सपोज ये, और मेरी रोज़ कितनी है 3, 1 2 3 3 रोज़, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3, और मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा ज़ीरो कॉलम हो गया, देन ये 1 2, क्योंकि ये मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, ये ज़ीरो नीचे की तरफ आया, और -2 लिखूंगा तो ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर देगा क्योंकि 0 1 2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ओके, तो देखेंगे
यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है राइट। या लेट सपोज मुझे इस रिफ्रेंस के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू को निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफसेट, रिफरेंस मेरा ये हो गया। अब मुझे देखना है रोज़, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो मेरी प्लस होती है, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा रोज़ को काउंट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -3, एंड मेरे कॉलम है राइट हैंड साइड में तो ये मेरा प्लस में होगा, देन होगा 1 2। अगर मैं 2 लिखता हूँ, ओके करूँगा, तो देखेंगे ए की मेरी वैल्यू आ गई है। तो हम जितने भी वैल्यूज़ हमारे चारों मतलब कोनों में है, मतलब 1 2 3, अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है इस रिफरेंस के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफसेट, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये होगा, पहले मैं अपने रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरा रेफरेंस का यहाँ पे आया है, रेफरेंस का फर्स्ट क्राइटेरिया, देन रोज 1 2 3 -3, एंड दो कॉलम इधर की तरफ है तो ये भी मेरा माइनस में होगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा था, तो यहाँ पे होगा -3 -2 होगा बेसिकली राइट। ये मेरा 0 कॉलम 1 2, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, 0 राइट, तो मेरा 0 0 कॉलम 1 2, तो मैं 2 लिखेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई है, सॉरी यहाँ पे मुझे -2 लिखना था, -2, 80 की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से आप एक सेंटर पॉइंट लगा के आप अपने कोई सी भी वैल्यू लेके आ सकते हैं राइट। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकाल के ये वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपली लिखूँगा ऑफसेट, रेफरेंस मेरा ये हो गया, और रो मेरी हो गई 0 क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी रो 0 ही कंसिडर होगी राइट, क्योंकि यहीं पे मेरा रेफरेंस है, तो 0, और राइट हैंड साइड में मेरे पास 0 1 1 कॉलम में है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे मेरी 55 की वैल्यू आ गई है राइट। अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट, और ये हो जाएगा मेरा -1 क्योंकि हम 0 इधर की तरफ अगर कॉलम में जाते तो ये माइनस होंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे प्लस में होंगे, ऊपर की तरफ रोज में जाएंगे तो ये माइनस होगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये प्लस में होगी, तो ये प्लस माइनस का ही इसमें पूरा का पूरा गेम है राइट। तो मुझे ये वाली वैल्यू चूज करनी है तो मेरा रेफरेंस हो गया 0 राइट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -1 क्योंकि मैं यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या लिखा था 0 राइट, तो हमारा ये हो जाएगा ऑफसेट, रेफरेंस हमारा ये हो गया, और हमारे रो होगी 0 क्योंकि इसी रो में डेटा है, और -1 लिखेंगे तो हमारे पास 79 की वैल्यू आ गई है राइट। तो आप इस तरीके से कोई से भी वैल्यू लेके आ सकते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है 111 राइट, ये मेरी वैल्यू है, और मुझे इस वाले रेफरेंस के थ्रू ये वाली वैल्यू लेके आनी है राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफसेट, और यहाँ पे होगा मेरा, इसको सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस हमारा ये है, रोज़ फिर हम देखेंगे कितनी हो गई है, रोज़ कितनी हो गई है, ये माइनस में क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, ये होगा 1 2 3 4 5, ये मर्ज कॉलम है बेसिकली, तो इसको भी हम 2 ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 -5 कॉमा, राइट हैंड साइड में तो ये प्लस की वैल्यू होगी हमारे पास, तो 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं 7 लिखूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक रेफरेंस को बना के अपनी कोई सी भी वैल्यू लेके आ सकते हैं, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसको मुझे निकालना है इस रेफरेंस के थ्रू, तो मैं ऑफसेट लिखूँगा तो मेरा ऑफसेट का रेफरेंस ये हो गया, और आप देखेंगे कि मेरी अपवर्ड जा रही, इस रेफरेंस से अप की तरफ जा रही है तो मेरी माइनस में वैल्यू होगी राइट, तो -1 2 3 एंड 4 -4 कॉमा, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेरे कॉलम है तो ये भी मेरे माइनस में होंगे, 0 ये तो मेरा 0 कंसीडर होगा, 0 1 0 1 2 3 4 5 देन -5 ओके, ये -5 0 1 2 3 4 5 6 है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू आ गया। तो आप देखेंगे कि एक्स एंड वाई एक्सिस का पूरा है होता है इसमें, और प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप एक सेंटर की लोकेशन के अकॉर्डिंगली आप कोई सी भी वैल्यू, एक पर्टिकुलर सेल के रेफरेंस को लेके आप कोई सी भी वैल्यू को, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन की कोई सी भी वैल्यू को कहीं से भी उसका मतलब आउटपुट लेके आ सकते हैं राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, और काफ़ी मतलब ये थोड़ा
सही, अच्छा भी फार्मूला है बेसिकली, और इसका हम वीबीए में भी यूज़ करते हैं काफ़ी। जैसे हमें लेफ्ट राइट के कोई भी अगर कैलकुलेशन करनी हो, एक पर्टिकुलर रेंज को पिक करना हो, तो ऑफसेट का फंक्शन भी काफ़ी मतलब वहाँ पे यूज़फुल होता है। तो आप इसका यूज़ करके आप काफ़ी इसका मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज़ मुझे यही वाली वैल्यू पिक करनी है, अगर सेंटर वाली, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं ऑफसेट, रेफरेंस हमारा ये हो गया, रो भी हमारी 0 है और हमारा कॉलम भी 0 है, तो हमारी वैल्यू उठ जाएगी यही वाली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।